हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राधिका और मेरे चैनल क्रिएटिव डेली ब्लॉग्स राधिका में आपका स्वागत है। प्रोफेशन से मैं फैशन डिजाइनर हूँ। मैंने बहुत साल डिजाइनिंग जॉब किया, लेकिन जब COVID-19 के कारण लॉकडाउन चालू हुआ तो मुझे बहुत टेंशन हो गया कि अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि जॉब करना तो पॉसिबल नहीं है। मेरी बेटी छोटी है तो क्या करूँ, बहुत टेंशन हो गया, आंख में आंसू आ गया, लेकिन कुछ करना है। मैं बहुत साल से डिजाइनिंग जॉब कर रही थी तो डिजाइनर से मर्चेंडाइजर में कन्वर्ट हो गई। मेरा काम वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता था, मुझे वहीं जाके काम करना होता था। तो लेकिन COVID-19 में क्या किया जाए, आंख में आंसू आ गया। अब मैं क्या करूं, मुझे क्या काम करना चाहिए। मेरा कुकिंग में इंटरेस्ट है, जरूरत पड़ता तो होम डिलीवरी कर सकती थी, बिजनेस कर रही थी छोटा मोटा, लेकिन COVID-19 के कारण उसमें भी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि लोगों से इंटरेक्ट करूंगी तो ये मेरी बच्ची के लिए अनसेफ हो जाएगा। तो क्या करें, ये दिमाग में चलता रहता था। घर के काम करती थी, घर के काम बहुत ज्यादा हो जा रहे थे लॉकडाउन के कारण, क्योंकि मासी नहीं आती थी और जब घर में रहते हैं तो सोचते हैं अरे कुछ नया खाने बना ले, क्योंकि बाजार का भी नहीं खा सकते। तो बहुत ज्यादा घर में काम बढ़ जा रहा था और जब मैं मोबाइल को देखने बैठती तो मुझे नींद ही आ जाती थी। लेकिन मेरे मन में था समय निकाल के मुझे करना है, समय निकाल के मुझे करना है। तो मैं मोबाइल पे सर्च करने लगी वर्क फ्रॉम होम, तो मेरे सामने राधिका रियल ब्लॉग और आयरन मॉम भी आने लगा। तो मुझे लगा ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ, इसमें मुझे कोई स्पेशल टाइम नहीं देना होगा, जो मैं रेगुलर कर रही हूँ उसी को रिकॉर्ड कर सकती हूँ और इसमें मेरे पास टॉपिक्स का कमी नहीं आएगा, क्योंकि डेली ब्लॉग में तो हम लोग जो कर रहे हैं वो टॉपिक डाल सकते हैं। मेरे दिमाग में फर्स्ट वीडियो माई किचन ट्यूब चल रहा था कि मैं उस पर बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने किचन को क्लीन करना चालू किया, ऑर्गेनाइज करना चालू किया और सोचा इसी पर वीडियो बना लिया जाए। फर्स्ट वीडियो के टाइम में बहुत दिक्कत होता है, मैं डेली रिकॉर्ड कर रही थी, काफी दिन रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि जो स्टार्टिंग में काम होता है वो अपलोड लाइक तो नहीं होता है, जस्ट प्रैक्टिस होता है, लेकिन वो प्रैक्टिस बेकार नहीं होता है। अगर हम सोचेंगे इतना दिन मैंने काम किया वो बेकार हो गया तो वो बेकार नहीं हुआ। क्यों हम लोग बच्चों को इतना राइटिंग का प्रैक्टिस कराते हैं, कोई भी चीज एक बार में तो नहीं होता, प्रैक्टिस तो करना पड़ता है। मेरे पास सिर्फ मोबाइल था, मैंने उसी से वीडियो रिकॉर्ड करना चालू किया। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास सेटअप नहीं है, क्योंकि एक मोबाइल ही इनफ होता है स्टार्टिंग के लिए। उसके बाद मैंने 6 वीडियो के बाद मोबाइल होल्डर और ट्राइपॉड ले लिया और बाद में मैंने मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव लिया, क्योंकि मुझे दिक्कत आ रही थी स्टोरेज की, मेरे पास लैपटॉप नहीं था और मेरी बेटी की ऑनलाइन क्लासेस होती है, वीडियोस आती है, तो ये दिक्कत कर रहा था इसलिए लेना पड़ा। शुरू में ही सोचेंगे मेरे पास सेटअप नहीं है, टाइम नहीं है, तो कभी भी टाइम अपने आप नहीं निकलेगा, टाइम को निकालना पड़ता है। बिना सेटअप के भी स्टार्ट किया जा सकता है, अगर हमारे पास मोबाइल है, डाटा है, तो वही हमारे पास बहुत बड़ा चीज है।